बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी सुबह के तो सारे काम हो चुके हैं और इधर मेरा बेटा वैक्सीन लगवा के आ चुका है और वो थोड़ा पेन में है, थोड़ी सी उसे दिक्कत हो रही है और इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। कुछ खिलाया पिलाया मैंने और काफ़ी के थोड़ा रेस्ट में है। क्या है, आराम है कुछ? अभी आराम नहीं है तो ठीक है, दिन भर जब सो लोगे ना तो शाम तक आराम हो जाएगा तुम्हें। लंच वगैरह बना लिया मैंने और लंच में है चावल दाल चोखा, आलू का चोखा क्योंकि सादा सादा ही बना है। सुबह मिर्ची ले गई थी पास्ता, तो पास्ता नाश्ते में सब रह गया था तो उन्होंने नाश्ता कर लिया और थोड़ी बहुत सब्जी थी रात की तो पराठे सेक के पराठा सब्जी। तो अभी जो है मीठी थोड़ा सा चावल रखा है उसको फ्राई कर रही है, अपना फ्राई नहीं कर रहा है बस गर्म कर गर्म की। हाँ, और मीठी भी आ चुकी है स्कूल से। और क्या कह रही थी, कल व्रत है? स्कूल भी जाना है इनको, कल व्रत भी है, इसका रोना ये रो रही है, बेचारी कैसे रहेगी तो अभी गाइज ले लिया है लंच और मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। लंच में चावल दाल वही चोखा जो मैंने बनाया हुआ था और खीरा ले लिया है। खीरे से मिलती है ठंडक क्योंकि पॉजिटिविटी पेट को भी तो चाहिए, पेट में ठंडक होगी तो पॉजिटिविटी रहेगी और हम भी पॉजिटिव रहेंगे, माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए करते हैं लंच। तो अभी गाइस हो गई है शाम और मैं बना रही हूँ किचन में चाय। किसी भी मेरे पास ही आके बैठ गया है, इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, सो लिया है, आराम कर लिया है, इसकी आवाज़ आपको कुछ सुनाई नहीं देगी, बहुत धीरे बोल रहा है। तो मेरा बाबू शोना बीमार हो गया, मेरा राजा बेटा, मुझे इसके लिए बहुत टेंशन हो रही है लेकिन मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा, बस आज रात में सुबह तक ठीक हो जाएगा। और शाम की चाय बन रही है इधर और चाय मेरी देखने में बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। तो अब मैं अपना चाय एंजॉय करेंगी और चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं गाइस। तो अभी गाइस यहाँ पे हो रही है लड़ाई दादी में और नाती में, वो कह रही मेरा सीरियल लगाओ और वो अपना लगा लिया है। क्या लगाया है? तारक मेहता या तो लगा लेता है या तो कोई वो यूट्यूब पे नहीं लड़ाई करते रहते हैं सब गेम खेलते हैं। मैं भी यूट्यूबर हूँ तो मैं बुराई नहीं कर सकती। नहीं वो तो सब लोग जान चुके हैं, कितनी बार बताओ दादी ये बताइए। नहीं पता, किसी को नहीं पता है। कितनी बार बताएगी दादी की? दादी को बुरा लग गया तो दादी बुरा लगेगा? हाँ, गुस्से में देख लेंगे। देखो नहीं दादी का नहीं, बिंदास बताओ दादी मेरी 20 सीरियल देखती है। अभी पता नहीं कौन सा आया दादी, अभी देख रही थी। अरे पांड्या स्टोर, बाप रे वो दादी रिलेट कर सकती थी, दादी भी पांडे है तो दादी सोच रही थी मैं भी अपना स्टोर खोलूंगी तो उसका नाम पांड्या स्टोर। अरे वो नहीं आती है एक कौन शॉर्ट्स बनाती है तो उसकी बुआ वो दिखाता है कि बुआ आई है तो कह रही है कि अरे मैं ये सब नहीं देखती, मैं कोई सीरियल वीरियल नहीं देखती। नहीं 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 नहीं, मैं तो अपना ध्यान लगाती हूँ, ये माला चलाती हूँ और बस एक दो देख लेती हूँ, पांड्या स्टोर हो गया, कुमकुम भाग्य हो गया और यह चाहते सारे ही नाम ले लेती है बस। हाँ बस बस इतना ही देखती है और कुछ नहीं देखती। भाई दादी का ख्याल है, कौन सीरियल देखेंगे बस, अनुपमा ये चाहते ये रिश्ता कुमकुम कुंडली और क्या वो क्या नाम है। आज हम लोग पिक्चर भी देखे, पता है कौन सी मूवी देखे हैं? दसवीं, अरे एकदम न्यू लेटेस्ट है, अभिषेक बच्चन की मूवी आई है, लेटेस्ट मूवी आज ही रिलीज हुई है ना मम्मी? तो क्या दिखाया है उसने? आज ही रिलीज हुई है सीरियल देखने का सर। क्या क्या दिखाया है मम्मी बताइए? दिखाया कि शिक्षा मतलब बहुत जरूरी है। हाँ वो सीएम रहता है ना, सीएम यहाँ पे तो वो भी खुलने वाला है सिटी मॉल। हाँ 14 को गाइस सिटी मॉल देवरिया में एक मॉल खुला है जो जिसमें मल्टीप्लेक्स होगा और उसका हम लोग आपको रिव्यू देंगे जा करके। आई उनकी बेटी जा रही है, शुभी क्या होगा मामूजी? क्या होगा क्या हो गया वो उसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाँ इनका सिलेंडर खत्म हो गया है, वो तक पानी वाला। तो दो तीन सिलेंडर तो आपके घर में आए ही, सब यूज कीजिए, एक ये सिलेंडर है, को सिलेंडर उसका मुंह उतरा है, पानी का बोतल छोड़ दी ये गिरा। अरे ठीक है पूरी। अच्छा वो ग्लू वाला बड़ा गिरा दियो, क्योंकि कैसे ला रही थी कि गिर गया।
मैं बना रही हूँ इस वक्त दो प्याजा। दो प्याजा मीन्स कि जो भी सब्जी हो आधा वो हो और आधा प्याज हो। तो मेरे इस दो प्याजा में मैं आज यूज कर रही हूँ साबुत आलू, जो एक साइज के हैं, छोटे छोटे से, मतलब एक ही साइज के मिलते जुलते होने चाहिए तभी जाके ये अच्छे से बन पाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितना आलू है उतना ही प्याज ले लेते हैं। तो ये आधे यहाँ पे हैं, आधे मैंने डाल दिए हैं इस कुकर में। तो कुकर में सबसे पहले ऑयल गया है और जो भी आपके साबुत मसाले होते हैं वो मैंने मतलब तेल में ही छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद जाएंगे प्याज और थोड़े से कूटे हुए लहसुन। और अब इसके ऊपर से मैं क्या करती हूँ, ये जितने भी मेरे साबुत आलू हैं ना इन्हें इसमें डाल दूँगी और ये अच्छे से इसमें बिछ जाने चाहिए, लाइक जैसे चादर बिछाते हैं उस तरीके से इसे हम बिछा देंगे। तो मैंने देखिए इस तरह से बिछा दिया। अब इसके ऊपर से हमें प्याज से इसे ढक देना है, कवर कर देना है। आपके ऊपर है आप कितना प्याज डालते हो, कितना स्वीटनेस चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वीट भी हो जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे पास जितने प्याज हैं और ये जो थोड़े बहुत लहसुन कूटे हुए हैं ये सारे ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डालें ना गैस को बिल्कुल सिम कर दें ताकि कुछ भी नीचे से जलने ना पाए। और उसके बाद ऊपर से डाल देंगे हल्दी और जो भी आपका क्वांटिटी ऑफ नमक, मतलब सामान जितना हो उसके अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़े से ना आप इसमें गरम मसाले भी छोड़ सकते हो, जो मतलब पाउडर मसाला, कोई भी आप जो भी गरम मसाला यूज़ करते हो लाइक चिकन मसाला, मटन मसाला या फिर ऐसे ही गरम मसाला, वो आप इसमें डाल दो ऊपर से। मैं तो ज़्यादातर गोल्डी मसाले प्रेफर करती हूँ, सबको पसंद भी आता है। तो थोड़े से मैं ये गोल्डी मसाले ऊपर से इसमें छिड़क दे रही हूँ और इसके बाद से इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। लेकिन रुकिए, ठहरिए, मैं थोड़ा सा इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ क्योंकि मेरा जब तक अपना वाला स्टाइल नहीं होगा ना मेरा काम नहीं बनता है। तो मैं एक टमाटर इसमें डाल दे रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस थोड़ा सा। और मेरा ये थोड़ा सा पानी है ये बस थोड़ा सा लिया है मैंने इसे, बस इसमें डाल देंगे। और इसके बाद पानी अगर ज़्यादा हुआ तो आपका दो प्याजा मस्त नहीं बनेगा। तो बस इसको डाल देंगे और उसके बाद कुकर को बंद कर देंगे। गैस को का जो फ्लेम है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे ही स्टीम पकड़ लेता है यानी कि सीटी पकड़ लेती है वैसे ही आप गैस को सिम पे कर दीजिए। तो गैस मैंने अपने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और देखिए तुरंत से सीटी पकड़ने लगी। और जैसे ही सीटी पकड़ लेगी मैं इसे थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, हाँ मीडियम पे करके, और इसे छोड़ देंगे ऐसे ही बनने के लिए। अपने आप ये सीटियाँ देता जाएगा और उसके बाद से मुझे लगता है दो से तीन सीटी में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा हो गया है रेडी, स्टीम भी इसकी निकल गई है और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके का दिख रहा है। तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। और इसके बाद अगर आपको मन करे सूखा खाने के लिए, मतलब कि इसमें ज़्यादा आपको ग्रेवी नहीं चाहिए, तो आप जो है इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे और थोड़ा सा एक बार ना हाई फ्लेम पे इसको हल्का सा भून देंगे फटाफट से करके, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं खाना है फिर भी भुनना तो पड़ेगा क्योंकि भुनने से ना एक अलग सा फ्लेवर आएगा। तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको फटाफट से चलाएंगे। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना भूल गई थी या फिर मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया, मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली थी और काली मिर्च थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा डाला था मैंने कि थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। और ये देखिए ये किस तरीके का कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, उसकी ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी से रेडी हो गई है। मैं तो ऐसे ही खाने वाली हूँ। तो हम सब आज इसको एंजॉय करेंगे, चावल रोटी पराठा जिसके साथ मन करे खाइए। और हाँ अगर आप चाहें ना तो इन आलूओं को, जो आलू मैंने साबुत डाले हैं, आप इन्हें टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में भी कट करके इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आलू लगे ही इसको फोर पीस में, मतलब ऐसे कट लगा सकते हैं, या आप चाहे तो स्कूअर से इसमें होल्स कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बना देती हूँ आलू, आप जिसको मन करता है अपने हिसाब से इसको फोल्ड करके और इन्जॉय करता है। कैसी लगी ये वीडियो?
मेरी छोटू सी रेसिपी वाली वीडियो। मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई, लेकिन आप भी बनाएंगे तो ऐसी ही बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है। और इसे आप कई प्रकार के वेजेस से बना सकते हैं, मतलब कि कटहल भी ऐसे बना सकते हैं, न्यूट्रिला आलू भी ऐसे बना सकते हैं, गाजर और आलू ऐसे मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो कई तरह की सब्जियों से ये बनता है, बहुत 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 टेस्टी ये लगता है। इसे आप भी बनाइएगा और इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए एंड बाय।